हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा, शर्मा बिल्डर की तरफ से। आज में हम लेके आए हैं आपके लिए 2 BHK फ्लैट, और जो 2 BHK फ्लैट है ये है मोहन गार्डन के अंदर। मोहन गार्डन के अंदर नेट्रो से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी पार्किंग मिलती है, लिफ्ट मिलती है, इसके साथ 20 फुट के दोनों साइडों में आपको रोड मिलते हैं, काफ़ी बड़े रोड मिलेंगे आपको। और यहाँ पर आपको ट्रैफिक यहाँ पर नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर में ये फ्लैट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत लग्जरी फ्लैट है, बहुत जानदार फ्लैट आपको बना के देने की कोशिश की गई है, और पूरे वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों, सामने दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूछना इसका प्राइस क्या रखा गया है। आइए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं ये पूरा फ्लैट। दोस्तों, ये है हमारा एंट्रेंस, और एंट्रेंस के ऊपर भी हमने लगा रखा है एक पर्दा, बहुत अच्छा। और डिजाइन देखिए आप, बहुत अच्छी माइक है इसके अंदर में आपको लगी हुई दिख रही होगी, और लॉक भी इसके अंदर में ब्रांडेड लगा हुआ है। दोनों साइडों में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको टाइलों का काम किया गया है। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये है हमारा पूरा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का स्पेस अगर देखते हैं तो बहुत काफ़ी बड़ा और सुंदर डिजाइन के साथ में आपको ये दिख रहा होगा। तो टाइलों का काम भी काफ़ी सुंदर और बढ़िया किया गया है, और सुंदर डिजाइन के साथ में। और इधर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे घास का काम हमने अच्छे से किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में आपको दिख रहा होगा। इधर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको AC का पॉइंट मिलता है काफ़ी सुंदर डिजाइन के साथ में, वीडियो में आप देख रहे होंगे। और ऊपर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर LED लाइटें मिलती हैं, और ऊपर ये सीलिंग का काम भी काफ़ी अच्छा किया गया है, बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में मिलता है। इधर के साइड में यहाँ भी अगर लाइट का काम देख रहे हैं तो ये भी एक फैंसी लाइट आपको लगा के दे रखी है। और इधर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका वॉलपेपर भी बहुत अच्छा 3D वॉलपेपर आपको दिख रहा होगा। और इधर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका LED पैनल के साथ में आपको शोकेस दिख रहे होंगे, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और कोई भी सामान सजाने का रख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखते हैं तो LED पैनल के साथ में आपको पॉइंट मिलते हैं, लाइटों का स्विच वगैरह यहाँ पे लगे हुए मिलते हैं, MCB आपको साइड में मिलती है। नीचे अगर देखने तो यहाँ पे भी शोकेस अच्छे मिलते हैं, काफ़ी बहुत बढ़िया फ्लैट है। मिस ना करें, सामने दिए गए नंबरों पर कॉल जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ इसका कॉमन बाथरूम कैसा बनाया गया है। दोस्तों, ये है हमारा कॉमन बाथरूम, और कॉमन बाथरूम का जो स्पेस है ये भी काफ़ी है, बड़ा दिख रहा होगा। और साइडों में आप देख रहे हैं तो टाइलों का काम किया गया है, साइड में अगर देख रहे हैं तो सीट लगी हुई है, और साइड में आप देख रहे हैं तो वॉश बेसिन भी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। काफ़ी स्पेस के साथ में सुंदर डिजाइन इसके अंदर में दिख रहा होगा, और काफ़ी बड़ा आपको ये बाथरूम मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अगर टाइलों का काम देख रहे हैं तो इस फ्लैट के अंदर में भी आपको टाइल चेंज मिलेंगी। और यहाँ अगर देख रहे हैं तो 6x6 का बेड लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा और सुंदर आपको दिख रहा होगा, डिजाइन बहुत अच्छा इसके अंदर में दिख रहा होगा। और इधर अगर देख रहे हैं तो पूरा वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉलपेपर भी अच्छा सुंदर डिजाइन दिख रहा होगा। साइड में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लगा हुआ है AC का पॉइंट, बहुत बढ़िया सुंदर सा, और आपको कोई फिटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऊपर अगर देख रहे हैं तो सीलिंग का काम भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा, फैन आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, और बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में आपको ऊपर सीलिंग दिख रही होगी। यहाँ अगर देखते हैं तो आपको मिलती है ये अलमारी, काफ़ी बड़ी और स्पेस के साथ में मिलती है, 4x8 की अलमारी है पूरी बनी हुई, और सुंदर डिजाइन के साथ में आपको दिख रही होगी दोस्तों। तो इसी के साथ में आपको मैं दिखाता हूँ इसका बाथरूम, जो कि अटैच बाथरूम है। तो दोस्तों, ये है हमारा अटैच बाथरूम, जो कि बेडरूम के साथ है, और बहुत अच्छा बेडरूम के साथ में ये आपको बाथरूम स्पेस का दिख रहा होगा। दोनों साइडों में आपको टाइलें लगी हुई हैं, ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको झूमर लगा हुआ है बहुत अच्छे डिजाइन के साथ। और अगर इधर देख रहे हैं तो आपको वॉश बेसिन दिख रहा होगा, और सीट लगी हुई आपको मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, पहले आपने देखा था इसका लिविंग एरिया, और उसके बाद दिखाया था मैंने आपको बेडरूम, बेडरूम के साथ ही मैंने आपको दिखाया था इसका अटैच बाथरूम और कॉमन बाथरूम। और अब मैं दिखाता हूँ इसकी किचन। तो दोस्तों, ये है हमारी सुंदर सी किचन, और किचन के अंदर में आ चुके हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका पत्थर लगा हुआ है काले रंग का, ब्लैक कलर का इसके अंदर सुंदर पत्थर आपको दिख रहा होगा। यहाँ अगर देख रहे हैं तो सुंदर सी अलमारियाँ लगी हुई हैं, और इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लगी हुई है आपकी चिमली। साइडों में अगर देख रहे हैं तो टाइलों का काम काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ किया गया,
और डिजाइन अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी टाइलें इसके अंदर में आपको दिख रही होंगी। स्पेस बहुत बढ़िया है। इधर आपको बर्तन धोने के लिए हमने टूटियाँ दी हुई हैं और यहाँ पे लगा हुआ है आपका सिंक, और सिंक का डिजाइन भी काफ़ी अच्छा और स्पेस के साथ है। ऊपर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको मिलता है एक झूमर, बहुत अच्छा बढ़िया सा झूमर इसके अंदर लगा हुआ है। सीलिंग का काम भी इसके अंदर में काफ़ी बढ़िया किया गया है, LED लाइटें लगी हुई हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी किचन है और स्पेस काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इसका सेकेंड बेडरूम। तो दोस्तों आ चुके हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर, और सेकेंड बेडरूम में भी टाइलें आपको चेंज मिलेंगी। दोनों बेडरूमों के अंदर में टाइलें आपको चेंज मिलेंगी और माइका भी आपको अच्छे सुंदर डिजाइन के साथ में मिलेगी। तो दोस्तों अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे बेड लगा हुआ है 6x6 का, इसके अंदर भी बेड लगा रखा है और अच्छे स्पेस के साथ में है। डिजाइन अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा इसके अंदर में डिजाइन है बेडरूम का। और यहाँ अगर देख रहे हैं तो ये है आपका वॉलपेपर भी आपको अच्छे सुंदर डिजाइन के साथ में आपको दिख रहा होगा। अगर ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डिजाइन सीलिंग का काम बहुत अच्छा किया गया है, POP का काम इसके अंदर में काफ़ी सुंदर और डिजाइन बहुत अच्छा बनाया गया। और यहाँ पे जो पंखा लगा हुआ है ये भी ब्रांडेड कंपनी का आपको लगा हुआ मिलेगा, जो कि उषा कंपनी का लगा हुआ है। इधर आपको एक हमने सुंदर सी लाइट लगाई हुई है, जो कि लाइट बहुत सुंदर लगी हुई है। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मिलती है आपको वेंटिलेशन, और यहाँ पे मिलता है आपको AC का पॉइंट, यहाँ पे अपना AC फिट कर सकते हैं। और ये जो डोर देख रहे हैं ये आपको बालकोनी के साथ में अटैच मिलता है, और यहाँ से खुलती है आपकी बालकोनी का रास्ता। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इसकी बालकोनी। तो दोस्तों ये है हमारी बालकोनी, जो कि 4 फुट की बालकोनी है। और यहाँ भी अगर टाइल देख रहे हैं तो बेडरूम और बालकोनी की टाइलें सारी एक जैसी आपको मिलेंगी। इधर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइलों का काम भी किया गया है, जो कि दीवारों के साथ है। और ऊपर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे SS की सीट लगी होगी और लाइट लगी होगी। और यहाँ अगर देख रहे हैं तो आपको ग्रिल लगी हुई मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगा आपको गिलास लगा हुआ। बहुत अच्छी बालकोनी मिलती है स्पेस के साथ में, और काफ़ी बड़ा बेडरूम मिलता है इसके साथ में आपको, ड्राइंग रूम मिलता है, और किचन भी काफ़ी बड़ी मिलती है, और बालकोनी भी काफ़ी खुली मिलती है। दोस्तों ये था हमारा 2BHK फ्लैट, जो कि 50 गज के अंदर बनाया गया। फ्रंट फ्लोर है, बैक फ्लोर नहीं है, बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में आपको ये फ्लैट मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा 2BHK फ्लैट, जो कि 50 गज के अंदर में बनाया गया है, गाड़ी पार्किंग के साथ और लिफ्ट के साथ। आपको बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर में ये फ्लैट आपको मिलेगा। और दोस्तों प्राइस जानने के लिए सामने दिए गए नंबरों पर फोन करें और कमेंट जरूर करें, और आगे शेयर भी जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, बने रहिए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।